गारंटी दे सकता हूँ कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप जरूर ये टाटा ग्रुप का स्मॉल कैप का स्टॉक को बाय करना चाहोगे। विश्वास नहीं हो रहा है तो आगे देख लो, बट आधा अधूरा मत देखिए, पूरा वीडियो को देखिए। टाटा ग्रुप का स्मॉल कैप स्टॉक्स प्राइस 175 रुपीज। क्या प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है? सोच रहे हो कि इससे अच्छा कोई छोटा प्राइस वाला पेनी स्टॉक्स खरीद लेंगे? फिर तो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि कुछ दिनों में ये शेयर आपको अभी का प्राइस का डबल प्राइस में नहीं मिलने वाला है। ये भी विश्वास नहीं हो रहा है, तब तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि अभी ये टाटा ग्रुप का स्मॉल कैप का स्टॉक्स को लेके जो फंडामेंटल चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप खुद बोलोगे कि विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस भी आ गया है। एक 3,256 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी, जिसका ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखे तो स्टैंड अलोन प्रॉफिट में जो है काफ़ी जंप दिखाई दिया। जैसा आप देख पा रहे हो, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर एंड 2020-21 का कंपेयर करें तो रिवेन्यू जो है 719 करोड़ से लेके 737 करोड़ हो गया है। अदर इनकम मिला के टोटल इनकम 815 करोड़ का है 2020-21 का। टोटल एक्सपेंस का बात करें तो 2019-20 एंड 2020-21 में सेम है, 696 करोड़। तो जहां रिवेन्यू में जंप एंड एक्सपेंस सेम है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा दोस्तों। तो टोटल प्रॉफिट सब टैक्स वगैरह डिडक्शन के बाद जो कि 2019-20 में था 73 करोड़ का ओनली, वही इस साल मतलब 2020-21 में वो हो गया 101 करोड़ का, 101 करोड़, जो कि 73 करोड़ से लेके 101 करोड़ हो गया, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। और ये ईयर टू ईयर बेसिस के बाद हम क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में देखें तो आप देख सकते हो हर क्वार्टर में जो है इसका प्रॉफिट जो है ये बढ़ रहा है। पहले 10 करोड़ था, उसके बाद जो है 22 करोड़, नेक्स्ट क्वार्टर में 28 करोड़ एंड लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़। तो ये कंपनी के लिए ये जो पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट, ये बहुत ही एक बढ़िया पॉइंट बनते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। दूसरा पॉइंट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है कंपनी का रिजर्व्स। ऑलमोस्ट 1100 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उधर ही देखे तो उधर ही इसके पास ना के बराबर है, ओनली 73 करोड़ का है ये कंपनी के लिए। ये उधारी को वो कभी भी जीरो कर सकता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट मैं जो बताना चाहूँगा, इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग। इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 58% होल्ड करते हैं, और ये 58% टोटल 58% होल्ड करते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि ये कंपनी के लिए, जो कंपनी का नाम मैं आगे बताने जा रहा हूँ इनके लिए, ये बहुत ही एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी इसका पॉइंट नंबर 4 में मैं ये बताना चाहूँगा इनका जो है रिटर्न। आप इसका रिटर्न देख सकते हो, लास्ट एक साल में 120% का रिटर्न दिया, लास्ट 5 साल में 92% का रिटर्न दिया। एक साल का हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। 92% का रिटर्न जो है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको एफडी या आरडी में मुश्किल से 6-7% का मिलता है। और एकदम शुरू से, एकदम स्टार्टिंग से आप देखें तो इन्होंने जो है ऑलमोस्ट 993%, मतलब जो है ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न दे चुका है। ये रिटर्न में हम लोग डिविडेंड का कैलकुलेशन तभी भी नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो शेयर प्राइस का है इनका हिसाब से इन्होंने ऑलमोस्ट शुरू से 1000% का रिटर्न दे चुका है दोस्तों। और ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये कंपनी जो है हर साल डिविडेंड पे करते हैं। इस साल भी 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपया पर शेयर का हिसाब से डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस कर चुका है दोस्तों। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक टाटा कॉफ़ी लिमिटेड को लेके, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और यही एफएमसीजी सेक्टर में आपको दूसरा कोई अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक करना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए। और आपको पेनी स्टॉक्स में ओनली 25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 5 लाख रुपया कमाना है तो राइट वाली वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।